सब्जेक्ट में हमने फर्स्ट जो आपकी कविता है कौन कौन वो हमने समझ ली थी। इसमें क्या समझा था हमने, कवि ने क्या बताया है, प्रकृति के जो भी तत्व है, चांद सूरज पर्वत पेड़, वो न होते तो क्या होता है और हम भी नहीं होते तो ये हम प्रश्न भी कैसे करते। प्रकृति के जो भी तत्व भगवान ने हमें दिए है वो कितने बहुत ही सुंदर है ना। आप भी सब जानते हैं कि सूरज चांद सब कितने अच्छे लगते हैं। सूरज हमें उजाला देता है, चांद हमें रोशनी देता है और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। इस कविता में कवि बोलते हैं कि ये सब जो प्रकृति के तत्व है वो होते ही नहीं तो हमारा क्या होता है ना, और हम भी नहीं होते तो ये सब भी तत्व है वो प्रश्न कौन करता है, ये कहाँ से आए। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति के बारे में बताया है। इससे आगे हम शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ चांद को दूसरा क्या बोलते हैं, चंद्रमा। निर्मल तो साफ स्वच्छ, नव तो आकाश, आकाश को आप सब पहचानते ही हैं, पर्वत तो पहाड़ जहाँ से झरना बहता है, इंद्रधनुष तो बारिश के मौसम में सात रंगों से आसमान में बनने वाले धनुष की आकृति, दिशा तो रास्ता, मतलब कि सही रास्ता बोलते ना, डायरेक्शन क्या है कि सही रास्ता, प्रश्न तो सवाल, जग तो संसार, हरियाली तो हरापन हरा रंग। इसके बाद लिखित प्रश्न, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपके टेक्स्ट में पेज नंबर 6 कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो चलो देखते हैं, अगर न होते पेड़ भरा खाली जगह हरियाली फैलाता ना, क्या है ना, अगर न होते पेड़ भरा फील्ड हरियाली फैलाता कौन, खाली जगह न होते फूल बताओ खाली जगह की मुस्कुराता कौन, अगर न होते फूल खिल खिलकर मुस्कुराता कौन, अगर न होते बादल कर लेना।
ठीक है।